नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपने आपका आधार कार्ड डाउनलोड करना है और कौन सी वेबसाइट से आप आपका आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि हम अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से करें। तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आपका आधार कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से खुद डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले UIDAI की मेन वेबसाइट पर जाना होगा, जिस वेबसाइट से आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मेन वेबसाइट है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी आपको आधार में आपका चेक करना है, वो सारी सर्विसेज आपको माई आधार से मिलेंगी। मैं एक एक सर्विस के लिए अलग अलग से आपका वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं जो पहली वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ आधार के लिए, वो सबसे पहले बनाऊंगा मैं हाउ टू डाउनलोड आधार, या आप आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें। उसके लिए आपको डाउनलोड आधार पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड आधार पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा। कई बार वेबसाइट दिन में थोड़ा सा सर्वर डाउन होने की वजह से स्लो हो जाती है, तो इससे आप दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इसमें आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जैसे मैं अपना मेरा आधार कार्ड नंबर डालता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप इसके अंदर कैप्चा कोड लिखेंगे। ध्यान रखें कैप्चा कोड में जो हमारे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर है उनको ध्यान में रखते हुए डालेंगे। उसके बाद आप सेंड OTP कर देंगे। जैसे ही आप OTP सेंड करेंगे तो आपका जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP जाएगा। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि मेरे आधार में मुझे नहीं पता कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि आपको ये कैसे चेक करना है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर आपका मोबाइल नंबर गुम हो गया है या आपके पास वो नहीं है या आपको नहीं पता है, गलत जुड़ा हुआ है, तो आप नज़दीकी किसी भी आधार सेंटर पर जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हो। एक अलग वीडियो का लिंक भी मैंने आपका इसमें डाला है कि हाउ टू फाइंड नियर बाय आधार सेंटर। तो अब हमारे पास इसका OTP आ गया है, तो मैं इसका OTP डालूंगा। OTP डालने के बाद मैं इसको लॉगिन कर लूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन होगी, इसमें काफी सारी आधार की सर्विसेज हैं जो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ डाउनलोड आधार। डाउनलोड आधार पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपकी सारी डिटेल आएंगी, नाम, एड्रेस, सारा कंप्लीट। तो उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। PDF में आप ध्यान रखेंगे PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, और PDF को ओपन करने के लिए आपको अपने नाम के पहले चार अक्षर, जैसे अनीस वाई कुमार है तो ANIS, और आपके जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो सिर्फ ईयर एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप वो एंटर करेंगे PDF को ओपन करके, तो आपका आधार कार्ड आपके सामने होगा। तो आपका आधार कार्ड इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो।